तब तो बदल ही गए थे, लेकिन इनसे ये उम्मीद नहीं था, ये भी बदल गई। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा पूरा देख के, अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजप्रिया जहान में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दें, मेरे भाई की एक रक्षा गुप्ता का इंटरव्यू काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू में रक्षा गुप्ता से तमाम तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन खेसारी फैन जब भी कोई भी किसी का इंटरव्यू देखते हैं या कोई भी किसी का स्टेटमेंट सुनते हैं तो उन लोगों को आशा रहता है कि वो खेसारी भैया के बारे में कुछ अच्छा बोले, वो खेसारी भैया को लेकर कुछ तारीफ करे या खेसारी भैया के बारे में कुछ तो बोले। मतलब ऐसा आशा या विश्वास लेके उन लोग किसी का इंटरव्यू देखते हैं। खैर आप लोगों को बता दें कि वैसे ही रक्षा गुप्ता का इंटरव्यू बहुत सारे मेरे भाई मेरे पास भेजे और बोल रहे हैं कि देखिए भैया ये भी बदल गई। और उस इंटरव्यू में क्या बोली है रक्षा गुप्ता, जब रक्षा गुप्ता से ये सवाल पूछा जाता है कि आप भोजपुरी के बेस्ट सिंगर किसको मानती हैं, तो रक्षा गुप्ता बेझिझक पवन सिंह का नाम लेती हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट सिंगर किसको मानती हैं। बेस्ट सिंगर नो डाउट पवन जी हैं भाई, वो तो उसमें कोई दो राय ही नहीं है। और ये बात यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि रक्षा गुप्ता तो पवन सिंह को बेस्ट सिंगर बना दी, लेकिन जब रक्षा गुप्ता से एक और सवाल पूछा जाता है कि आप भोजपुरी में बेस्ट एक्टर किसको मानती हैं, तो रक्षा गुप्ता कहीं ना कहीं सवाल को इधर उधर फेरते नजर आती है। खैर आप लोगों को बता दें कि वो बताना ही नहीं चाहती कि वो बेस्ट एक्टर किसको मानती है, और यही चीज लग जाता है खेसारी फैंसों को बुरा। जब रक्षा गुप्ता ने पवन सिंह को बेस्ट सिंगर का उपाधि दे ही दिया था तो बेस्ट एक्टर का भी उपाधि किसी को दे देती, लेकिन नहीं, रक्षा गुप्ता यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम ले लेती है। पवन खेसारी, दिनेश लाल, कल्लू, मतलब जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टर हैं सभी का नाम ले लेती है। ये चीज सुनकर बहुत सारे खेसारी फैंसों को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे भाई कि जो ये आशा लेके रहते हैं आप लोग कि बेस्ट सिंगर खेसारी भैया को कोई बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि यहां पर जितनी भी अभिनेत्री लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं काम का लालच है, और जिसको काम का लालच नहीं होगा, जो सबसे पंगा लेना चाहेगा, वही खेसारी भैया को बेस्ट एक्टर बोल सकता है या वही खेसारी भैया का तारीफ कर सकता है। यहां सबको सबके साथ काम करना है, यहां पर किसी एक को बेस्ट एक्टर बनाकर अपने पेट पे लात नहीं मारेगा कोई, और ये बात आप लोग समझा कीजिए। और क्या आशा करना, क्या उनके कहने से खेसारी भैया बेस्ट होंगे? अभी खेसारी भैया बेस्ट नहीं है, खेसारी लाल यादव अपने आप में ब्रांड है और खेसारी लाल यादव अपने आप में बेस्ट हैं। अगर किसी को बेस्ट बनने का सबूत देना पड़ रहा है कि वो बेस्ट है तो वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट रहता है उसको कहना नहीं पड़ता है, वो खुद दिख जाता है। और हमारे ट्रेंडिंग स्टार ऐसे कारनामे कर रहे हैं जो कि हर जगह दिख रहे हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आई बटन में जाके वीडियो को क्लिक करके देख लीजिएगा कि भोजपुरी का मतलब ही खेसारी लाल यादव है। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सबूत दिखाया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, हमारी कही गई बात से आप सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।